हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज मैं जाने वाला हूँ पूनागिरी माता मंदिर। आज मेरे साथ जो भी जाने वाले हैं उनसे मैं आपको मिलवा दूंगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये सारी पैकिंग तो हो चुकी है मेरी, और बस उन लोग जो भी लोग मेरे साथ जाने वाले हैं उनके बस आने की देरी है। बाकी तो गाइस, विमल भाई भी घर पे आ चुके हैं और लुकिंग सो गुड बिंटो भाई। हाँ भाई, हेलो। ये ओ माय गॉड, गाड़ी कैसे पे? तो विमल भाई अंदर हाँ वही होता है, इसके अंदर बैठ जाओ भाई। विमल भाई इस लड़के के ऐसे इतने छह लड़के गाइस, हम लोग निकल चुके हैं। प्रांजल भाई बता रहे हैं विमल भाई के घर से। विमल भाई ने चार बैग लिए हैं पूरे पूरे, है कि नहीं? चार बैग, चार बैग में सिर्फ कपड़ा है, एक बैग में तीन नमकीन के पैकेट। तो अभी हम लोग फिलहाल निकल रहे हैं पूनागिरी के लिए। तो गाइस, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बुद्धेश्वर मंदिर, और बोलो बुद्धेश्वर धाम की जय। जय जय गाइस, मिंटू भाई अभी गए एटीएम पैसे निकालने। एक एटीएम चेक कर चुके हैं, दूसरे में भी जा चुके हैं, पैसा मिल नहीं रहा है। उनके पास कैश है नहीं, पर मेरे पास है, मैं दूंगा नहीं। तो गाइस, मिंटू भाई कैश लेकर आ चुके हैं। ये लो दो है अभी। तो गाइस, सारा काम हो चुका है, प्रदूषण बनवाना था प्रांजल भाई की कार का, बोतल बन गया है और फिलिंग भी हो चुकी। अब खाली चलना ही चलना है कि नहीं पिंटू भाई? हाँ भाई, थोड़ा सा पानी पी। अब चलना ही चलना है, पानी पी। अभी तो फिलहाल टाइम हुआ है भाई, अरे 10 बजने वाला है लगभग। देखते हैं भाई कितनी जल्दी सफर तय होता है कि नहीं प्रांजल भाई? हैप्पी जर्नी, हैप्पी जर्नी। गाइस, विमल भाई को उल्टी लग रही थी और इन्होंने दवाई ले ली। विमल भाई ले ली कौन सी लिए? जो उल्टी करके उल्टी उल्टी करके अंदर डाल दे, हैं? उल्टी उल्टी करके नीचे डाल दे। नाम भूल गया, नाम भूल गया। एवोमिन। अभी फिलहाल हम लोग 90 किलोमीटर चल चुके हैं और अभी हरदोई के आसपास अभी हम लोग हैं, और क्योंकि गाड़ी को भी रेस्ट करना है और हम लोग को थोड़ा नाश्ता भी करना है, तो उसी के लिए हम लोग रुके हैं थोड़ा सा अच्छा लोकेशन देख के। लोकेशन देखो कितनी जबरदस्त, इधर पेड़ इधर भी पेड़। गाइस, फिलहाल पहुंच चुके हैं हम लोग शाहजहांपुर, और अभी लगभग 2:30 बजा हुआ है, 2:30 नहीं 1:30 बजा। मेरा फेवरेट एरिया आ गया है, तो भाई का फेवरेट एरिया शाहजहांपुर। तो भाई पैदाइशी साथ जाएंगे? ये पैदाइशी जाएंगे आपकी? हमें पैदाइशी नहीं, लेकिन मेरे को सिटी बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, पैदाइशी नहीं, एक नंबर सिटी है भाई, सिटी इनकी फेवरेट है। तो लखनऊ बेकार माने इसके लिए तुम्हारे? नहीं, मेरे लिए तो बिल्कुल लखनऊ बर्बाद है। मेरे लिए सजान सजान पर एक नंबर है, एक नंबर।
तो गाइस फिलहाल हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बन रहा है अभी। और अभी पिंटू भाई के कोई रिलेशन में उनके घर हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, धोनी के घर हम लोग जा रहे हैं अभी शाहजहाँपुर में। ये बिल्डिंग और ये वाला है फ्लोर भाई पिंटू के जीजा का। प्रांजल भाई कैसा लगा नाश्ता करके? बहुत ही मजा आया, लेकिन विमल को ज्यादा मजा आया, हमारी गुजिया खूब खाई है भाई। ये तो चोर गुजिया खाई, पलभर पेट भर के गुजिया खाई भाई। समोसे करना ज्यादा समय कौन ले गया, टोक देता है जेब में भरे। ये अगर हमारे से और कोई खाए तो मना कर देता है गुजिया। गाइस फिलहाल हम निकल चुके हैं यहाँ से और नाश्ता भर पेट करके। पिंटू भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, पिंटू भाई बहुत बहुत शुक्रिया नाश्ता पानी कराने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। ये दुधवा नेशनल पार्क जिसके बारे में हम लोग को पढ़ाया जाता था। तो गाइस अभी हम लोग थोड़े शाहजहाँपुर के थोड़ा सा आगे हैं और यहाँ आज भी होली हो रही भाई, बहुत बम्पर, ये देखिए बहुत बम्पर होली खेली जा रही, कपड़े फट रहे हैं, धज्जा उड़ रही सब। तो गाइस अभी थोड़ी सी गाड़ी में प्रॉब्लम हो गई, ये थोड़ी हवा कम हो गई, हमको लग रहा है पंचर हो गया, फिर कोई दिक्कत होगी। तो भाई हवा तो गाइस आ चुके हैं हम लोग पीलीभीत रेस्टोरेंट, कोई बढ़िया सा रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं। चल भाई क्या खाओगे भाई? भूख लगी है, देखो इधर है, इधर रेस्टोरेंट है, ये भी है, ये भी। गाइस पेट भर चुका है, मजा आ गया, मजा समोसा खा के एक नंबर। तो गाइस फिलहाल हम लोग आ चुके हैं टनकपुर चौराहे पर पहुंच चुके हैं और अभी थोड़ा यहां से रेस्ट कर रहे हैं हम लोग। ये सभी पीछे खड़े भाई, सभी लोग यहाँ फिलहाल रेस्ट कर रहे हैं और रेस्ट करके 5-10 मिनट हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि अभी जो है थोड़ा सा आराम करना है, फिर उसके बाद चढ़ाई भी शुरू करनी है हम लोगों को। तो मिलते हैं भाई, थोड़ा सा वेट करो आप लोग और ब्लॉग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करो। बोल माँ के प्यार की, बोल अपने अपने माता पिता की। गाइस वैसे तो फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं पर जाम बहुत ही तगड़ा लगा हुआ है, बहुत ही तगड़ा, लगभग 10 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है, बहुत ही फोटो भाई। फिलहाल जाम तो बहुत लगा हुआ है और अभी तो हम लोग को पार्किंग थोड़ा नीचे पार्किंग में उतारा गया है, थोड़ा सा कह रहे हैं थोड़ा लेट होगा, 1 घंटा वेट करना पड़ेगा उसके लिए। उसको बुलाओ। ये पर्ची काटी गई है तो भाई कमेंट में बताओ ये किस लिए पर्ची काटी गई। वैसे तो मैं पहली बार प्राइवेट कार से आया हूँ, जो भी लोग यहाँ आ चुके हैं कमेंट बताएँ ये सही पर्ची कटी है गलत पर्ची। तो गाइस ये पर्ची भाई, इसमें ना ही नंबर लिखा हुआ है गाड़ी का, ना ही कुछ लिखा हुआ है, केवल 12 घंटे के लिए वैध है, पता नहीं किस बात की है। तो भाई नंबर पढ़ चुका है फिलहाल कांटेक्ट करने के बाद,
किस तरह से जाम लगा हुआ है ये देखो भाई, कैसे गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ पे। अभी आती ही जा रही, आती जा रही, पता नहीं कब नंबर आएगा हम लोग का। पिंटू भाई आराम कर रहे हैं, ये देखिए पिंटू भाई जाम लगा, हाथ पैर में जाम निकल गया। जो दूसरी गाड़ी छोड़ जा रही है पार्किंग से कुछ गाड़ी एक्स्ट्रा लेंगी, तो जिनको पार्किंग में जगह ना मिले और रोड के किनारे गाड़ी खड़ी करें, कहां जहां पे कच्चे में कोई भी गाड़ी रोड पर ना खड़ी करें, पहाड़ में बहुत जगह है सिंगल वाली, अगर वो सिंगल लाइन में गाड़ी यहाँ पे भी खड़ी तब भी कोशिश कर देंगे, किसी भी दशा में आने वाला रास्ता बंद होना है, तो जो गाड़ी छोड़ रहा हूँ उनको किनारे खड़ी करना, रोड में कच्चे में पार्किंग बहुत जगह है ऊपर, आप किनारे खड़ी करना। तो गाइस फिलहाल हम लोग जाम से छूट चुके हैं और लगभग 2 घंटे के बाद हम लोग यहाँ से निकल पाए हैं। 2 घंटे बाद बहुत जाम थी। अब ऊपर देखते हैं पार्किंग में जगह मिलती है नहीं मिलती है भाई। फिलहाल बने रहे ब्लॉग में और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, सच्चे दरबार की जय, मां के प्यार की। देखते हैं भाई ऊपर जगह मिलते हैं ऊपर पार्किंग में। नेक्स्ट वीडियो। जय माता दी। गाइस गाड़ी पार्किंग में लग चुकी है फिलहाल अभी, तो कितनी चिपक के गाड़ी खड़ी की है ये, इतना सा एरिया है। और इधर का देखो भाई, भाई किस कदर गाड़ी लगाई है किस कदर गाड़ी यार, तो जीटीए खेल लिया भाई, पार्किंग कहीं मिल नहीं रही है ऊपर। देखो भाई कितना सा एरिया है, मात्र इतना सा। जोर से बोलो जय माता दी, बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। तो गाइस फाइनली हम लोग ऊपर पहुंच चुके हैं और टाइम हो चुका है लगभग 1:30 और हमने गाड़ी अपनी पार्किंग में लगा ली है धीरे से आराम से। पार्किंग वैसे यहाँ मिल नहीं रही है, बिल्कुल फुल है यहाँ पर, बहुत भीड़ है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं दर्शन करने। तो अगर ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई लोकेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।